अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम फ्रॉम ऑनेस्ट टूअर्स। आज हम आपको बताएंगे यूएसए वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर पाकिस्तानी पासपोर्ट। पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर आप बहुत आसानी से किस तरह गारंटी यूएसए की वीज़ा हासिल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीकेकार है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लिंक में एक डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ, उस पर आप क्लिक करें। ठीक है, आपको यूएसए वीज़ा का कम्प्लीट फॉर्म आ जाएगा, उसको आप बहुत इत्मीनान से पढ़ें पूरा फॉर्म, और उसको आप पूरा फिल करें करेक्टली। ठीक है, जैसे ही आप वो फॉर्म भर लेते हैं, वीज़ा फीस यूएसए की जो टूरिस्ट वीज़ा है वो है 160 USD। आपको वो अलाइड बैंक, अगर आप कराची से अप्लाई कर रहे हैं तो अलाइड बैंक की कोई भी ब्रांच में आप वो 160 USD फीस जमा करवा सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी अलाइड बैंक में आप जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी फीस। अब उसके बाद जो सेकंड है आपका जो स्टेप है यूएसए वीज़ा के लिए, आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है और जिसकी वजह से आपको गारंटी यूएसए की वीज़ा मिल सकती है। सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है वो आपका बैंक बैलेंस है। आपका बैंक बैलेंस 6 मंथ्स के अंदर मिनिमम कम से कम आपका 3 मिलियन प्लस होना चाहिए। 30 लाख अगर आपका बैंक बैलेंस है तो वो एक बहुत मिनिमम है कि आपको बैंक बैलेंस आपका सफिशियंट है वीज़ा के लिए। सेकेंडली, आपको पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए यूएसए विजिट करना चाह रहे हैं। आप टूरिस्ट के लिए करना चाह रहे हैं तो आप उसमें मेंशन करें कि मैं टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट विजिट करना चाह रहा हूँ। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कहीं पर विजिट करना चाह रहे हैं, या आप कहीं कोई कॉन्फ्रेंस या इस किसी किस्म का आपको इन्विटेशन आया है वो अटेंड करना चाह रहे हैं, तो आप वो मेंशन करें उसमें क्लियर। ठीक है, ये तो हो गए आपकी पॉइंट्स। बाकी आपके FRC, अगर आप फैमिलीज के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब का कवरिंग लेटर, या आपका अपना खुद का बिजनेस है तो आपका बिजनेस का लेटर, NPNs वगैरह डिटेल्स, वो सारी आप उसमें आप उसकी प्रिंट करके निकालें और वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने बनाना स्टार्ट करें। बाकी फोटोग्राफ वगैरह है वो मैं आपको लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी सारी डिटेल्स रिक्वायरमेंट्स की। अब बात आती है US में आपका इंटरव्यू के लिए किस तरह आप जाएंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए आप खास तैयारी करके जाएं, थोड़ी सी आप मेंटली पहले सबसे पहले प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको किस किस चीज़ों की वहाँ पे इंटरव्यू में ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटरव्यू में जाने से पहले सबसे पहली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि एक ड्रेसिंग से सामने वाले का आपका पॉजिटिव नेचर पता चलता है कि सामने वाला के अपीयरेंस से ही आप सबको जज हो जाते हैं। मोस्टली लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो सिर्फ इंटरव्यू देने के लिए अंदर गए और विद इन 1 से 2 मिनट में हमें उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले आपका अपीयरेंस पे आप बहुत तवज्जो दें। अपीयरेंस आपका लाइट कलर का शर्ट और लाइट कलर की पैंट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये प्रेफर करता हूँ कि मोस्टली आप कोशिश करें कि वाइट कलर की शर्ट और लाइट कलर की लाइट ब्लू या इस तरह के कोई कोल्ड कलर, पॉजिटिव कलर के आप ड्रेसिंग करके जाए, और अच्छी से करके जाए। नॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, पैंट हो, शर्ट हो, इन हो इस तरह, और शूज़ पॉलिश वगैरह हो, और इस तरह आप तैयारी करके जाए। सेकेंडली, इंटरव्यू के लिए आप जब जाए तो आप बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंट रहे, और आप जो भी बोले वो सच होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी किस्म की झूठ या कोई भी किस्म की बनावटी बात आप नहीं करें, जो भी है क्लियरली आप उनको बताएं कि मैं इस रीज़न की वजह से यूएसए विजिट करना चाह रहा हूँ। ये एक आपका बहुत पॉजिटिव उनके पे अपीयरेंस आएगा, और वो काफ़ी माहिर लोग बैठे होते हैं जो ये जज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ बना के बोलेंगे या कोई भी चीज़ इसमें झूठ होगी तो वो आपको फौरन कैच कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखें। अब ये उसमें इंटरव्यू में आपको तहन एंड देन आपको 3 चीज़ें होती है, या तो आपको वो कहेंगे कि आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ है, या तो फिर आपको उसी टाइम पे कहेंगे कि हम आपको वीज़ा दे रहे हैं और आप उनकी पासपोर्ट सबमिट करवा दें, या तीसरा आपका जो होगा वो आपका होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस मोस्टली ये होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सारे ऑथेंटिक हैं, सारे सही हैं, तो वो सारी चीज़ें कन्फर्मेशन करते हैं। ये 3 प्रोसेस होते हैं, इसके हिसाब से आपको US वीज़ा मिलती है। बाकी ये है कि वीज़ा USA का बहुत आसानी से तो मिल सकता है, अगर आप ये सारे पॉइंट्स अगर फॉलो करते हैं तो आपका मोस्टली समझे कि आपका गारंटी है वीज़ा की, आपको मिल ही जाएगा। और सारी चीज़ें अगर आपको जो सबसे पहला आपको जो स्टेप करना है वो फॉर्म का है, वो मैं आपको लिंक के अंदर वो फॉर्म भेज देता हूँ। ठीक है, लिंक्स की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा, वो आप ओपन करें और पहले सबसे पहले फॉर्म भरें।
अगर और कोई आपको इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं आपको वो इसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो ये है यूएस वीज़ा की प्रोसेस, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप किस तरह यूएस वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मैं आपको रोज़ हमारी वीडियोस आती रहेगी। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको दूसरे कंट्रीज़ की भी डेली बेसिस पे वीज़ा अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।